अस्सलामुअलैकुम, एमजे अंसारी का सलाम आपको पहुंचे। और आज हमारे मेहमान है महाराज केला राम जी जोगी, जो कि सिंध का एक बड़ा नाम है जोगी और सिंध के कदीमी लोग हैं। इनके लिए शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब के वालिद साहब ने कहा कि कूड़ा सामी पंध उआहे यार हंद ही छोता वंजन वंजन हिंगलाज में। फिर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब ने जवाब दिया कि सच्चा सामी पंध उआहे हर हंद इन्हन के मिलो हिंगलाज में। तो नाजरीन, हमारे सिंध का एक बड़ा किरदार जोगी, जिनकी बड़ी कहानियां बड़ी दास्तानें हैं, आइए आज हम एक ऐसे जोगी से आपको मिलवाते हैं, वो खुद आकर बताएंगे। तो आपकी मोहब्बतों में बुलवा रहा हूँ महाराज केला राम जोगी। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए जनाब। राम 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 जी। साईं महाराज, ये सांप आपका निकल तो नहीं जाएगा बाहर? नहीं साईं, ये बंधा देख के निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है सांप जी। सच्चा माल देख के? सच्चा माल देख के निकलता है। बड़ा पला हुआ है आपका। जी 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 जी, मकसद हमें डरना नहीं है। नहीं नहीं, आप इस सांप से नहीं डरो, दूसरे सांप से डरो, जो जहरीला होता है। अच्छा, हाँ, ये मोहब्बत वाला है? मोहब्बत वाला है। अच्छा जोगी साहब, आपको बीन बजाना आती है? साईं कैसी बात करता है, बीन बजा बजा के तो ये हालत हो गई है। हाँ, हमने तो इतनी बीन बजाई है, गांव वालों ने गांव से निकाल दिया कि बहुत बीन बजाता है, इसका बाप कम बजाता था, ये ज्यादा बजाता है। हाँ? जी साई, हम साहब भी बीनी का काम करते थे। बस साई, उधर से ही तो ये मिला है विरसे में। वैसे साई एक बात बताएं, हम बड़ा जालिम जोगी है, बीन दोनों तरफ से बजाता है, जिधर से भी मौका मिले, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से बजाता है। दोनों तरफ से बीन बजा लेते हैं आप? मौका मिलना चाहिए, मौका बस आपको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो थोड़ा बीन बजा कर दिखाइए। ये लीजिए। बस सही, ज्यादा जोर लगाऊंगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी। अच्छा, हाँ। और सही, और तबीयत ठीक ठाक है आपकी? हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सांप पकड़ लेते हैं आप? अपने साथ ही सांप को पकड़ लेता हूँ। क्या मकसद? मेरा मतलब है साईं, वो कल मैं ट्रेन में आ रहा था ना, उधर डब्बे के अंदर लाइट नहीं थी, एकदम रात का टाइम था, शोर मचा, सांप है, हम इतना जालिम जोगी, हमने जंप मार के सांप को पकड़ा है। आवाज आई है क्या? बस हमने फैसला कर लिया, अपना जाति सांप पकड़ेंगे अब। जाती सांप? हाँ, बस सांप नहीं अब। अच्छा, तो सांप पकड़ लेते हैं आप, पक्की बात है ये? हाँ, सांप सो रहा हो तो पकड़ लेते हैं, खड़ा सांप नहीं पकड़ता हूँ मैं। डसने का डर होता है, हम तो डस ले गए, क्या पता, जाने बेजान थोड़ी सांप जोर हमारी। अरे बाबा, क्या बारीक बात की है आपने माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, सांप आप किस तरह पकड़ते हैं? सांप अगर बिल के अंदर हो ना, आधा अंदर आधा बाहर, हम हाथ डाल कर पकड़ लेता है, बाद में हाथ धो भी लेता है, ऐसी बात नहीं। ये केला राम तो बहुत ही बड़ा केला राम लग रहे हैं, बहुत डेंजरस जवाब दे रहे हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि आप जो है वो कितना बड़ा तक पकड़ लेते हैं? कितना बड़ा सांप पकड़ लेता है जी? हम सांप पकड़ता है इतना बड़ा, सही साइज बताओ, कभी हमारा मूड हो जाए हम भी पकड़े सांप को। मेरा मतलब है, जब सांप चलता है इतना बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पकड़ लेता हम उसको। अच्छा, हमने सुना है जोगी के आपके अंदर ऐसी मकनातीसी सिस्टम होता है कि आप किसी लेडीज की तरफ देखें तो वो आपके पीछे पीछे चल देती है। साईं, कौन से जमाने में तुम बैठा हुआ है, अभी किधर दुनिया गई है, तुम इधर उधर ही लगा हुआ है। अगर हमारी आँख के अंदर कशिश हो, हमारा घर वाले हमारे पीछे नहीं चले, पता नहीं किधर चलता है वो। अच्छा, ये सब कहने वाली बातें हैं। अच्छा, ये आपने माशाल्लाह इतना बदजिनावर टाइप का जिस्म बनाया हुआ, फिर भी आप भीख मांगते हो, ये राज मुझे बताओ क्यों? साईं, बस सब पेट की खातिर है। वैसे एक बात बताएं, तुम्हारा जैसा आप आदमी होता है ना, घर में अकेला बैठा हुआ सोच रहा होता है क्या, क्या हमारा गुर्दा भी काम कर रहा है, हमारा पित्ता भी काम कर रहा है, हम काम नहीं कर रहे? अरे बाबा, क्या तूने बात कर दिया। अच्छा अभी ये मेरे को बताओ कि तुम जो है क्या नाम है, कोई ऐसी चीज भी देता है जिससे के महबूबा आशिक के कदमों में आ जाता है? सही, क्या बात याद दिला दी तुमने, हमने एक बंदे को दिया था चेक करने के लिए। अच्छा। हमने भी ऐसे ही सुना था। हाँ। वो हमने उसको दिया था, जाओ तुम ये लेकर जाओ महबूबा के दरवाजे पे, महबूबा तुम्हारे कदम में होगी। फिर बस, फिर मत पूछो साईं,
वो तो बंदा अस्पताल में पड़ा, उसके भाइयों ने उसकी मार मार के हालत बुरी कर दी है। मार मार के हालत बुरी कर दी। तो यानी कि ये बात भी ऐसे ही बस हवा में चल रही है। सब हवा में लोग बात करता है, हम गरीब आदमी है, पेट की खातिर चलता है साईं। अच्छा, तो आपने कितनी शादियां की हैं साईं? बस शादियों को तो मत पूछो, शादी तो एक ही होती है, बाकी तो बस बीन बजाता रहता हूँ मैं, और ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बीन बजा बजा के आपका जो खरबूजे जैसा, तो आप इतनी बीन क्यों बजाते हो यार? बस साईं क्या करें, बस बुजुर्गों से पीछे से ही मिला, इसलिए मैं बीन ही बजाता है। अच्छा, बड़ा मजा आता है बीन बजाने। आपके पास सांप है? हाँ सांप है, दिखा मैं तुमको सांप? बिल्कुल दिखाओ, अभी दिखाते हम तुमको सांप। अच्छा ले लो साईं। यार देख के जरा मेरे को डर लगता है जानी साईं, जरा होशियारी से साईं। होशियारी साईं साईं, ये खड़ा नहीं होता है क्या? लगता है ये तुमसे पहले मिल चुका है इसलिए खड़ा नहीं हो रहा है। क्या मकसद? तुम जरा देख कोशिश करो दोबारा। नहीं नहीं, मुझे लगता है वो तकड़ा मिला है तुमसे इसलिए नहीं खड़ा हो। क्या मकसद है तुम्हारा यार? तो मतलब है सांप, मैं सांप से कब मिल लिया? मेरे तो स्टूडियो में पहली दफा सांप आया है। अभी ओशारी पकड़ो, हम तुमको सांप खड़ा करके दिखाता है। ए यार इसका तो दांत भी है यार। ये देखो साईं हमारा सांप, देखो कितना बड़ा है, ये देखो बाबा। यार ये सांप तो खड़ा करो यार, ये सांप खड़ा क्यों नहीं होता है? अगर मैं इसको हाथ लगा लूं तो? सही कोशिश करो लेकिन ज्यादा नहीं। आप पकड़ के मुझे अपने हाथ से दिखा दो। नकली सांप लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूं और तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूं। नकली सांप लेकर घूम रहे हो तुम और हमारे स्टूडियो में आ गए। सही क्या बात करता है तुम? हमको हम नकली सांप लाया तो तुम हमको पुलिस को पकड़ाएगा? इस जमाने में असली चीज कौन सी मिलता है हमको बताओ? पहले उनको पकड़ो ना जिन लोगों ने महंगाई किया है। आपको पता है हमारा असली सांप मर गया है, हम उसको रोज 400 का दूध पिलाता था, अभी अब इतना महंगाई हो गया है, तुम रबड़ गले के घूमता है, कहां से लेकर आवे इतना पैसा? हम गावे सांप को खिलावे, पहले उनको पकड़ो जिन्होंने महंगाई किया है। आटा देखो कितना महंगा है, दूध कितना महंगा कर दिया है, हर चीज में महंगाई है। इसलिए तो भाई लोग तुम्हें असली नोट देते हैं, तो असली आप सांप दिखाओ ना। तो साईं कहां से दिखाने इस महंगाई के अंदर? रबड़ का सांप लेके चलता हूँ, हमारा पेट पालता हूँ। नहीं, तुम्हारे को पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं, हमारी रोजी मेरा, ये सारा जितना तुमने नोट कमाया सब पुलिस को देगा। हमारा रोजी पिलाती नहीं, मारो अल्लाह तुम्हारा भलाई करेगा। नकली सांप लेकर असली नोट पकड़ते हो, शर्म तुम्हें नहीं आती है? अभी पुलिस को बुलवाता हूँ और तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। सही कैसी बात करता है? हम नकली नोट मिल लेता है, कौन सा चीज असली मिल रहा है हमको ये बताओ? हर चीज नकली मिल रहा है, कैंसर का मरीज की दवा नकली है, बाजार के अंदर नोट नकली चल रहा है, हमारे दूध दिया नकली, हमारा सांप मर गया, हमने 400 रुपए का दूध पिलाया, उसमें पता नहीं कौन सा केमिकल डाला, वो मर गया, हम गरीब किधर जाए? तुम हमको पुलिस में पकड़ाता है। नाजरीन, इनकी बात में काफी हद तक वजन है और इस वजह से मैं पुलिस को नहीं बुलवा रहा, क्योंकि ये बच्चों की रोजी कर रहा है। बात ही वजन में है कि नकली दवाएं, नकली दूध, नकली सिक्के, नकली यहाँ तक के इंजेक्शन जो के कैंसर के पेशेंटों को लगाकर 3-3 लाख रुपए लोग ले लेते हैं, नकली स्टेन, इससे जिंदगी से लोग खेल रहे हैं। और केला राम जोगी तो सिर्फ एक नकली सांप ही लेकर चल रहा है। इसके लिए मैं केला राम रो नहीं यार, बहुत अच्छे इंसान हो तुम भाई, हालांकि शक्ल जो तुम बड़े फिरून टाइप के हो मगर अच्छे इंसान हो। इसके साथ ही हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चैनल का, हमारे देखने वालों का, और इसके साथ ही जो है ना हम इजाजत चाहिए। आपका मुंह भी खरबूजे जैसा लग रहा है। अच्छी बात है। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।